है पूरे एशिया की, पाकिस्तान की भी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हम आपको एक हाँ तो हम हाँ ये इन लोगों ने काफ़ी काम किया है सुबह से। भाई कितने दिन हो गए इधर लगे हुए? हो गए 5-7 दिन। 7 दिन हो गए इन लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज अहमद, आप देख रहे हैं YouTube चैनल सपोर्ट लवर विद सरफराज। मैं इस वक्त पत्तों की गांव में मौजूद हूं और ये एक बहुत ही बड़ी नर्सरी है पूरे एशिया की, पाकिस्तान की भी, जहां पर मैं मौजूद हूं। हम आपको एक हाँ तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भाई ये प्रेमंत कार्य कर रहे हैं, ये फैक्स का पौधा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये फैक्स को कैसे कलम प्रेमंत कार्य करते हैं। ये देखिए भाई नीचे की तरफ देखेंगे, इसमें कलम डाला और इसमें ऊंची राई को लगाया। ये पेमेंट कार्य कर रहे हैं भाई। इसमें कौन सी कलम लगा रहे हैं नस्ल की? बंटक। बंटक लगा रहे हैं भाई इसमें कलम जो है पेमेंट की। ये देखें इस तरह चीर लगा रहा भाई बड़े खूबसूरत तरीके से। और वो भाई इसके ऊपर शापर डाल रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर हाई करने के लिए, ताकि ये इसका जो है शाख निकले। ये बांटा की पेमेंट कर रही है। और यहाँ पौधा किसका भाई, किस नस्ल का है? भाई ये कलम कितने दिन में ये शुरू होना शुरू हो जाएगी? 25 दिन। 25 दिन में, 25 दिन दिन के बाद इसका आप शापर खोल देंगे? ये बड़ा वाला पौधा जिसमें भाई ने पोरिंग लगाई हुई है ऊपर चढ़ने के लिए। ना ना वो रोशनी पड़ रही है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे हैं, नर्सरी का काम बहुत ज़्यादा होता है। ये एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है पाकिस्तान की गेलन, और यहाँ पर पौधे फूल और पेमेंटकारी, छोटे पौधे बड़े पौधों की पेमेंटकारी। तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा पौधा है, इसमें भाई बांटा नस्ल के फैक्स की मतलब के वो पेमेंटकारी कर रहा है। ये तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद ये इसका शापर हट जाएगा, ये उसमें से शाखें निकलेंगी पेमेंटकारी की जो कल में लगाई हैं। ट्यूटोरियल किसी चीज नो फोन तो दिखाना ये भाई आप अपना काम है कि मजदूरी पे कर रहे हैं? मजदूरी पे कर रहे हैं माशाल्लाह, मजदूरी पे काम कर रहे हैं अपना, नहीं है मेहनत कर रहे हैं। नहीं यार अब इंदे कड़ा मसला है। दिखा पहले इनपुट दिखा लिया।
ये देखें, ये भाई बारीक सी शाख में कर रहे हैं अहमद। ये माशाल्लाह बहुत बड़ी कारीगरी है। ये भाई इसको पेशाब पर इसका हवा बंद करने गैस मतलब जो उसकी गर्माइश है जो खारिज ना, इसके लिए पेशाब पर लगा इस्तेमाल करते हैं ताकि ये उगने में इसका पेशाब निकलने में मदद कर सके। ये कलम बना रहे भाई, जरा नहीं कलम बनाना एक ये कलम बना रहे हैं कार्य के लिए। हाँ ये इन लोगों ने काफी काम किया है सुबह से। भाई कितने दिन हो गए इधर लगे हुए? 7 दिन हो गए। इन लोगों ने माशाल्लाह खूब काम किया, नहीं सारे दरख्त तैयार कर दिए लोगों ने भाइयों ने। ये इधर इन पौधों इन दोनों तैयार किए हुए हैं और अगले साइड पे हम आपको दिखाते हैं कि जो इनसे मतलब पहले इन्होंने तैयार किए हुए से जो शाखें निकली हुई हैं वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं और दिखाएंगे कि उसमें से कैसे शाखों में से एक पे मदकारी की और उनमें से कैसे वो आगे शाखें निकल रही है खूबसूरत खूबसूरत। हाँ तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये बेस का दरख्त है जिसमें बांटा फिक्स की उन्होंने कलम की और ये देखें ये इसकी मतलब कि ये शाखें निकल आई जो उन्होंने पहले कलम की थी आज से तकरीबन 3-4 माह पहले। ये मतलब पुरानी है और वो अब ताज़ा हो रही हैं। ये शाखें जो निकल आई हैं ये इसके लिए इन्होंने खूबसूरती के लिए कलम पे मदकार की है। इसमें दोबारा किए ये देख ये बांडा है और ये फैक्स है दरख्त जो आम दरख्त है इसमें से ये शाखें निकल रही है पेमदकारी से निकली। काफी खूबसूरत इलाका है ये एशिया के सबसे बड़ा जो है नर्सरी फॉर्म जो है पाकिस्तान का और एशिया बरेआज़म एशिया का सबसे बड़ा ये जो है फॉर्म हाउस नर्सरी का इधर पत्तों की गेलन फाटक पे काम किया जाता है। यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल ताजर आते हैं और पौधे दरख्त खरीदते हैं इधर से। यहाँ पर ये रोज़गार का वसी कारोबार है इस इलाके के लिए जो के लोग बड़े खुश और खुरूस के साथ काम करते हैं। और मैंने आपको दिखाया भी कि वो लोग मजदूर हैं जो माला के गोर हैं मजदूर पेमदकारी में लगे हुए हैं। फैक्स का पौधा है और इसमें बांटा जो है पेमदकारी की गई है को खूबसूरत करने के लिए। यह काफी खूबसूरत पौधा है।
ये देखें ये कितनी शाखें हैं, हर शाख में उन पे मदकारी से ये बांडा की जो है शाखें उगाई हैं खूबसूरत की खूबसूरती के लिए। इसमें से फिर दोबारा से की गई हैं पेमदकारी। फैक्स का पौधा है और इसमें बांडा की पेमदकारी की गई है खूबसूरती बढ़ाने के लिए।